सादाबाद में सानिया माही चौक के इंदर गैंग के हाथों 9 अफराद के कत्ल के मदई राय जुल्फकार अहमद ने इंसाफ के लिए आला हकाम से अपील की है कि इंदर गैंग की तरफ से उनको 3 दिन से मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं कि आपको मार दिया जाएगा, आपके पूरे खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा और आपके बचे बचे का खात्मा कर दिया जाएगा, किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आज उन्होंने हमारी 50 एकड़ के कमाल की फसल को आग लगा कर वहाँ उनके मुसलह अफराद मौजूद रहे, लेकिन पुलिस को तलाक करने के बावजूद पुलिस बहुत देर बाद पहुंची। उन्होंने मजीद कहा है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, हमारे खानदान को खत्म करने की मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। आला हकाम से गुजारिश है कि उनको और उनके खानदान को इंसाफ मुहैया किया जाए और उन्हें तहफ्फुज फराहम किया जाए। भाई शहीद हुए हैं, आज तक कोई हुकूमत मेरे साथ कुछ भी नहीं कर रही, तो आज उन्होंने हमारी फसल को आग लगा दी है, जबकि 3 दिन पहले उन्होंने मैसेज दिया था हम आपको मारेंगे, आपके खानदान को खत्म करेंगे, आपके बच्चे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तो हमें इंसाफ के बजाय हमें मारी 50 एकड़ फसल सड़ गई है। आज उन्होंने हर चीज की सहूलत कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए, अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, हमें इंसाफ चाहिए। कम से वजीर आला से अपील की थी, हाथ जोड़ के हमें वजीर आला से यही मांग रहे थे, हमें इंसाफ चाहिए, वजीर आजम से इंसाफ चाहिए। हमें क्या कर सकते हैं, हमारे लिए बस इंसाफ करिए बस।